नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 20x40 का एक बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान, जो कि 20x40 एक बहुत ही कम एरिया होता है और इस कम एरिया पे हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने हाउस प्लान की तरफ और देखते हैं अपना हाउस प्लान। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा होम डिजाइन देखते हैं। तो प्लॉट की साइज जो है 20 फिट बाय 40 फिट का है, जिसका आप देख सकते हैं ये अपना 20 फिट है, ये 40 फिट है। इस साइड का भी देख लेते हैं, ये भी अपना 20 फिट है और ये भी अपना जो है 40 फिट है। अब हम लोग इस पे हम लोग एक बहुत ही शानदार सा नक्शा बनाएंगे दोस्तों, डिज़ाइनिंग करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको। इस प्लॉट की जो फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग का हमारा प्लॉट है दोस्तों, और इसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इसको एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, एक टॉयलेट, एक गार्डन, डाइनिंग एरिया और पार्किंग चाहिए था दोस्तों। और ये प्लान बहुत ही कम बजट में आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें सब कुछ देख सकते हो कि ये देखिए, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, ये अपना प्लॉट है और इसी प्लॉट पे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे पूरा A to Z। अपनी डिज़ाइनिंग पूरी इसी प्लॉट पे होगी दोस्तों, इसी प्लॉट पे हम लोग यहीं पे इसी पैसे घर बनेगा और पूरा इसी पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे A to Z अपना पूरा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं आगे की तरफ और हम लोग इसका नक्शा देखते हैं कि कैसा हम लोगों का नक्शा बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा अपना नक्शा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक गार्डन एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्पेस में डिज़ाइन किया गया है। और गार्डन एरिया के साथ यहाँ पे हम लोग किचन दिया हुआ है, किचन से जहाँ से हम लोगों की प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्किंग प्रोवाइड किया हुआ और एक बड़ा सा गेट है दोस्तों, और एल शेप का हम लोगों का स्टेयरकेस है दोस्तों। फिर जैसे ही आप लोग घुसे हुए अंदर घर के अंदर, तो यहाँ सामने एक बड़ा सा आपको हॉल मिलेगा और हॉल के एक साइड में यहाँ पर हम लोगों ने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ दोस्तों। किचन के बगल में हमारा डाइनिंग एरिया है दोस्तों। और इसके बाद फिर जैसे ही आप हॉल से आप आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। इस बेडरूम में हम लोग बेड लगा सकते हैं और पूरा हर चीज़ डिज़ाइन करेंगे हम लोग इसका, और पूरा इसका अभी हम लोग 3D व्यू देखेंगे कि कैसा लगता है दोस्तों। इसके बाद इस बेडरूम के बगल में हम लोगों ने यहाँ पर एक टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि अटैच टॉयलेट है दोस्तों, और ये एक जो है सेपरेट टॉयलेट है जो कि बाहर है, जो गेस्ट भी इसको यूज़ कर सकता है दोस्तों। अब हम लोग इसी प्लान को हम लोग प्रॉपर 3D में देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग पहले इसका प्लॉट का साइज़ देख लेते हैं एक बार। 40 फिट है अपना इस साइड का और जो अपनी विथ है अपनी 40x20 का है। तो इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों, अब हम लोग इसी प्लान को हम लोग 3D व्यू में देखेंगे पूरा कैसा लगता है दोस्तों देखने में। तो यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ पे दीवार उठाएंगे हम लोग ऐसे, बाकी हम लोग अभी आगे देखते हैं इसका 3D व्यू पूरा देखेंगे लाइव की कैसे कैसे इसमें क्या क्या बनता है, पूरा सब कुछ A to Z स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हम लोग इसमें सब कुछ देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का 3D फ्लोर प्लान जो कि बन गया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये देखिए एक बहुत ही सफिशिएंट एक पार्किंग इसके लिए, गार्डन के लिए एक बहुत ही अच्छा, यहाँ आप घूम सकते हो और बहुत ही अच्छा आपके लिए स्पेस डिज़ाइन किया गया हुआ, बहुत ही स्पेशियस डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने वॉल में एक अच्छी सी डिज़ाइन डाल रखी है और यहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड किया हुआ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एल शेप में अपना स्टेयरकेस है और यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आप अंदर की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको किचन मिलता है, यहाँ पर आप फ्रिज रख सकते हो किचन में, यहाँ पे सनलाइट के लिए प्रॉपर विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए दोस्तों। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक लिविंग एरिया डिज़ाइन किया हुआ, लिविंग एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे सोफ़ा है, सोफ़ा पे आप बैठ के TV देख सकते हो, मूवी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और नीचे हम लोगों ने स्टोन का यूज़ किया हुआ दोस्तों। मेन इंट्रेंस अपना ये है, लिविंग एरिया का मेन इंट्रेंस दोस्तों, ये मेन इंट्रेंस है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ किचन के लिए भी एक सेपरेट इंट्रेंस खोल सकते हो, बट मेन इंट्रेंस ही ओके है, क्लाइंट को इसी टाइप का चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ दोस्तों। इसके बाद फिर डाइनिंग एरिया के बगल में यहाँ पे हम लोगों ने टॉयलेट प्रोवाइड किया दोस्तों, जो कि सेपरेट टॉयलेट है, अंदर से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे इस टॉयलेट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है दोस्तों। हम लोगों ने आप स्टेयरकेस भी अच्छी सी एक टाइप की डिज़ाइन बनाई हुई है दोस्तों। बाकी जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से आपको एक बेडरूम मिलेगा। बेडरूम एक बहुत ही बड़े साइज़ में बनाया गया है, बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग TV कैबिनेट है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे कबोर्ड है, यहाँ पे स्टडी टेबल है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया गया दोस्तों, आप देख सकते हो प्रॉपरली। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेडरूम से ही अटैच हम लोगों ने यहाँ पर जो है टॉयलेट दिया हुआ है दोस्तों। आप टॉयलेट को 3D में देख सकते हो, पूरा अच्छे से सब कुछ दिखाया हुआ है। यहाँ पर कबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर वेस्टर्न पॉट लगा हुआ है दोस्तों। इसके बाद फिर यहाँ पे डाइनिंग एरिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप पूरा प्लान आप इसको 3D में देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही कम बजट में बना हुआ है। और ये विलेज का होम डिज़ाइन है दोस्तों, देखिए आप लोग
अब हम लोग इसका जो है कॉलम प्लेसिंग देखते हैं कि हमारा कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा दोस्तों। तो भाई यहाँ पे देखिए हम लोग कॉलम प्लेसिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर 10 और बीच में 3, तो 13 हम लोगों का कॉलम प्लेसिंग है दोस्तों। और हम लोग अब कॉलम प्लेसिंग की डायमेंशन देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ सेंटर टू सेंटर मतलब कॉलम टू कॉलम की डिस्टेंस जो है 8 फीट 4 इंच है। मेन गेट की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 9 फीट की है दोस्तों। अब हम लोग साइड में देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों 13 फीट की है। अब हॉल टू हॉल की डिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों 11 फीट की है दोस्तों। यहाँ बेडरूम टू बेडरूम की डिस्टेंस दोस्तों यहाँ से लेकर इस बेडरूम की डिस्टेंस 11 फीट 7 इंच की है दोस्तों। और ये स्पैन काफ़ी लंबा, यहाँ चाहो तो आप एक कॉलम और प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। और 18 फीट की यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लोग 11 फीट की है दोस्तों। इसके बाद फिर डाइनिंग एरिया का हम लोग कॉलम टू कॉलम 11 फीट का है। किचन का हम लोग देख लेंगे 6 फीट का है, 6 फीट 10 इंच का है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोगों का 5 फीट का दोस्तों। तो आप लोगों ने यहाँ पे हम लोग हमारा ए टू जेड यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम प्लेसिंग दिखा दिया आपको मैंने। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉलम ये जो यहाँ पे जो कॉलम की जो हम लोग साइज़ है ये 9 इंचिंग का हम लोगों ने कॉलम रखा, 9 इंची का कॉलम। देखिए दोस्तों ये 9 इंची का हम लोगों ने कॉलम रखा हुआ है। तो आप लोग ऊपर से भी देख लीजिए, ऐसे टॉप व्यू से देख लीजिए, 9 इंची का हम लोगों ने कॉलम रखा हुआ दोस्तों। ये देखिए 9 इंची का हमारा कॉलम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका जो है नक्शे का पूरा डायमेंशन देख लेते हैं, क्या क्या डायमेंशन है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा डायमेंशन देखते हैं। इसकी जो चौड़ाई लंबाई है 40 फीट की है दोस्तों। मेन एंट्रेंस अपना यहाँ से है, तो ये जो अपना मेन गेट है, मेन गेट की डिस्टेंस जो है 9 फीट की है। यहाँ पे आप 10 फीट भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपके जो मेन जो पार्किंग या फिर इसको आप गार्डन बोल सकते हो, गार्डन का स्पेस है 5 फीट का। यहाँ पे आप बाइक भी पार्क कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। ये रहा अपना स्टेयरकेस, यहाँ पे एक स्टेप होगा आप आने के लिए, फिर यहाँ से अपनी स्टेयरकेस आपकी तरफ जाएगी। ये अपना मेन एंट्रेंस है दोस्तों, ये 3 फीट का है नियर अबाउट का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किचन की। तो किचन की जो साइज़ है दोस्तों ये 7 फिट की है अपनी, 7x7 के आसपास की है। आप देख लीजिए इसमें डायमेंशन सब कुछ क्लियरली मेंशन है दोस्तों। इसके बाद हम लोग हॉल की बात करते हैं। हॉल की क्या डायमेंशन है दोस्तों, हॉल की डायमेंशन है 11 फिट की है। और हॉल प्लस डाइनिंग एरिया का पूरा का डायमेंशन अपना 11x18 का, जो कि बहुत ही सफिशियंट स्पेस है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं बेडरूम की डायमेंशन देखते हैं। तो यहाँ से हमारा बेडरूम का है 12 फिट का है दोस्तों, 12x12 का हम लोगों ने बेडरूम दिया हुआ दोस्तों। इसके बाद हम लोग टॉयलेट देखते हैं दोस्तों, 5 फिट का हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग टॉयलेट प्रोवाइड किया, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 5 फिट 6 इंच का टॉयलेट है अपना, 5 फिट 8 का दोस्तों। हम लोगों ने पूरी डायमेंशन डिट्टो आपको दिखा दिया दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। स्टेयरकेस हम लोग देख लेते हैं, स्टेयरकेस की जो साइज़ है 3 फिट 6 इंच की है दोस्तों। यहाँ आपको सब कुछ देखने को डिट्टो आपको मिल गया दोस्तों। आप यहाँ पर पूरा डायमेंशन देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है। और यहाँ की जो इसकी भी जो वाइड है, यहाँ विथ जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से विथ भी देख लेते हैं कितनी प्रोवाइड, 9 फिट 1 इंची हम लोगों ने विथ प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। इनर वॉल 4.5 इंची की है, आउटर वॉल 9 इंची की है दोस्तों। देख लीजिए ये देखिए 4.5 इंची की वॉल है इनर वॉल अपनी, और आउटर वॉल जो है अपनी यहाँ से लेकर, इसको हम लोग आउटर वॉल बोलते हैं। आउटर वॉल मतलब बाहर की वॉल हो गई, ये 9 इंची की है दोस्तों। तो अब हम लोग एक बार इन सब का समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है अपना प्लॉट साइज़ 20x40 पे हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की है पूरी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने इसका नक्शा बनाया है यहाँ पे, नक्शा बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग डायमेंशन सब कुछ दिया है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकते हो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा पूरा। इसके बाद हम लोग इसी नक्शे का हम लोगों ने 3D में कन्वर्ट किया इसको, तो ये रहा अपना 3D, इसको आप 3D में देख सकते हो पूरा। इसके बाद हम लोग इसी 3D का हम लोगों ने कॉलम प्लेसिंग देख लिया कि भैया ये अपनी कॉलम प्लेसिंग है। अब आप इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये घर पूरा डिज़ाइन करवा सकते हो दोस्तों, बहुत ही कम बजट में दोस्तों। बाकी कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे नंबर पे कॉल कर सकते हो दोस्तों। बाकी आप चारों साइड से एक बार देख लो इसको पूरा स्पेस को। टॉप व्यू है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस घर का एक बार वॉक थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर जो आपको ऐसा डिज़ाइन आप हमसे चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे दोस्तों, कम बजट में वो भी। होप तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर जो आप ऐसा वीडियो आप हमसे डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें,
और आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग प्लान बने, तो आप मुझे अपने प्लॉट का साइज जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट भी नीचे मुझे बता सकते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लान बना के लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।